शाहपुर थाना में हुए डबल मर्डर का मंगलवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया तथा हत्याकांड के आरोपी 25-25 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में दुर्गेश यादव उर्फ शेरू यादव पुत्र बलवंत यादव निवासी जमीनी भीटी धाना गंगा तथा राशिद पुत्र वकील हुसैन निवासी ग्राम चेरिया थाना बेलीपार के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 32 बोर का दो पिस्टल 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। नहीं आइयो ले ले भैया पीछे आ जाओ। मध्य मार्च तक के 3-2 फरवरी से 7 मार्च तक तो उसमें कोई 211 केंद्र हैं, सभी व्यवस्थापक आए हुए हैं। इसे एक बड़ी हो गया था फिर तो जांच फिलहाल अभी तक प्राथमिक जांच में मानवीय भूली है, पत्र इधर के उधर गए थे इस वजह से देर से पहुंचे कुछ लोगों ने उसमें अभी चल रहा है, अभी काम चल रहा है उसमें। आपको पता है जैसा 23-24 की रात में एक डबल मर्डर केस हुआ था, मृतक रमेश यादव और मृतक रानू सिंह का मर्डर हो गया था रेलवे कॉलोनी के पीछे एक आउट हाउस के पास में, जिसके संबंध में दो मेन अभियुक्त जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल इन दोनों के मध्य में कुछ आपस की लड़ाइयाँ थी, जो कभी कभार ये दोनों एक दूसरे को मारपिटाई हो जाती थी या कहासुनी हो जाती थी, इसी को लेकर के जो हमारे अभियुक्त हैं ये रंजिश मानने लगे थे और दुर्गेश यादव और शेरू को गाली गलौज जो मारपीट भी करी थी मृतक रमेश ने पहले भी। तो उस दिन जिस दिन घटना था उस दिन इन दोनों ने फिर जो है प्लान बना करके सोचा कि अगर आज हमें मारा पीटा गया तो हम इनको सबक सिखा देंगे। इसी वारदात को देखते हुए इनके पास वेपन वगैरह था ही और से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया गया और हमारी टीम में एसपी सिटी एसपी क्राइम और डीएसपी क्राइम साहब ने पूरी लग करके इस घटना का पूरा अनावरण कर लिया है। आपके सामने मेन अभियुक्त भी हैं और साथ में इनके असलहे भी बरामद हो गए हैं। इसमें शेरू की जैकेट भी बरामद हुई जो वो पहनता जिस पे उसके मृतक के छींटे भी हैं और इसके साथ ही साथ जो है उनके आधार कार्ड वगैरह भी जो उसके समय के थे उनके पास वो भी बरामद हुए। और इसमें एक तरह से पहले भी हमारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर फिलहाल तो कोई इनाम नहीं था क्योंकि इस तरह के नहीं थे, लेकिन अभी जब होने के बाद हमने इनाम घोषित किया था जिससे इनकी गिरफ्तारी जल्दी हो सके। इनको 25-25 हज़ार रुपये का इनाम हमने घोषित किया। जो मृतक है उनके ऊपर पूर्व के मुकदमे थे लेकिन वो सभी लोग जमानत पर बाहर थे। हाँ धन्यवाद।